टेलीविजन हिस्ट्री का वो दिन जब से लोगों का दूसरों में उंगली करने का और भी प्रचंड शौक पैदा हुआ। अप्रैल 2006 जब इंडियन टेलीविजन पर बिग बॉस नाम का एक रियलिटी शो पधारा, जिसने आपस में लड़ झगड़ कर दूसरों की जिंदगी में ख्वाब पैदा करने का काम किया। आपस में लड़ो, लोगों को हंसाओ, विनर बन जागो एंड तुरंत बाद थोड़े स्टंट भी कर लो। इफ तुम्हारे में भी दूसरों की लाइफ में झांकने या उंगली करने का शौक है तो मोस्टली रेकमेंडेड बिग बॉस देखो यार। जिस पर आगे विचार करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ, तो बेसिकली जहाँ निब्बा निब्बियों के इस वन ऑफ द बेस्ट टेलीविजन रियलिटी शो, जिसको वायकॉम जैसी कंपनी ने देश की हर एक लैंग्वेज के लिए सहयोगवश का अधिकार दे दिया, एक्चुअली में अलग भाषा के लिए रीमेक जो कि तमिल और तेलुगु में बिग बॉस के अधिकार है, बिग बॉस यानी बिग ब्रदर के बाद बनाया गया एक रियलिटी शो है, जहां प्रतियोगियों या घर के सदस्यों के एक समूह को एक उद्देश्य से निर्मित घर में एक साथ रखा जाता है, जिसका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होता है। उसी घर में सब कुछ, वही लड़ना, जीरंडी रोना, लोगों को एंटरटेन करना, हर वो एक चीज जो बाहर थी इस हसीन घर में अलाउ नहीं होती, बिकॉज मेन रीजन तो एक दूसरे को कोस कर जीतना और ट्रॉफी उठाना है ना। हर दिन उन्हें एक वियर गेम या कोई काम करना होता है जिससे लोगों का अट्रैक्शन अपनी ओर ले सके और उसे देखकर ऑडियंस भी कायवाओ व्हाट मी बिग बॉस देखने का सबसे बड़ा रीजन है हमारे सल्लू भाई यानी सलमान भाईजान। एंड हर साल की तरह इस साल भी फिर से साल का वह समय है जब सबसे तर्कसंगत लोग भी 100 दिनों तक हर दिन एक घंटे के लिए सभी तर्कों को पीछे छोड़ देते हैं और बिग बॉस में शामिल होते हैं। ना अंदर भाई ना बहन, ना कोई पति ना पत्नी, लड़ाई करो, मजे लो और ऑडियंस को भी दो। एंड सैल्यूट टू द शो राइटर्स जिन्होंने ऐसा दिमाग लगाया कि कैसा शो बनाना है। हर वो एक चीज जो किसी की इम्प्रा जिंदगी में होती रहती है और उसी चीज को एक घर की तरह मिर्ची मसाला लगाकर लोगों को परोसी जाए तो कैसा लगेगा, और जिन्हें 24/7 कैमरे में रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि जब एक ही छत के नीचे बड़े बड़े अहंकार होते हैं तो घर में लोगों का मिश्रण हर साल बदलता रहता है। लेकिन पागलपन का एक तरीका है जहां मुट्ठी भर ड्रामा क्वींस, एक आयातित टीवी एक्टर, गाने वाला और मॉडल चाहने वाले कुछ हैस-बीन्स, एक गुंडा जॉब, कुछ शो ऑफ अपना फिगर दिखाने वाली टेलीविजन अभिनेत्रियां और एक राजनीतिक या धार्मिक व्यक्ति जो चीजों को दिलचस्प बनाए रखने के लिए कंपटीशन के माहौल को बवाल बनाया रखता है। एंड सीधी बात, नो बकवास, ऑडियंस को इससे ज्यादा लड़ाई झगड़े वाले दृश्य कहां मिलेंगे हैं और प्रतिस्थापन पेश किए जाते हैं। कंसिस्टेंट जब फैंस की भावनाओं में हेरफेर करने के लिए जितना अधिक नाटक रच सकते हैं उतने ही अधिक लोग इसमें शामिल होते हैं। इसमें प्रेम संबंध, गुटबाजी, छोटी छोटी बातों पर बड़े झगड़े, दोस्त और दुश्मन हैं, जो कि वास्तविक समय में सामने आई एक बॉलीवुड फिल्म को देखने जैसा है। हालांकि बिग बॉस पूरी तरह से परिवार के अनुकूल नहीं है, अपने सभी अक्षब्दों और जोरदार झगड़ों के साथ ये निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय संस्करणों की तुलना में साफ सुथरा है, क्योंकि स्क्रीन पर कोई अंतरंगता नहीं दिखाई जाती है।